हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन देखे थे, इस वीडियो में भी हम लोग आगे क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिनका भी ये फर्स्ट वीडियो है वो लोग जा करके प्लेलिस्ट खोल करके वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। दिस इज द 11th पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे के सारे वीडियोज़ को आपको देखना चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 40, फाइंड के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। क्वेश्चन क्या कहा, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज 40, मतलब कि जो भी इसके जीरोज दिए गए हैं, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे उसके स्क्वायर का सम कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। एफ एक्स पॉलिनोमियल आपको दे दिया है और आप के का वैल्यू बताइए। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जब भी जीरोज निकालने होते हैं पॉलिनोमियल के, तो हम लोगों को उसको फैक्टराइज करके वहां से फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उस फैक्टर को जीरो से कंपेयर करके जीरोज निकाल लेते हैं। बट इस पॉलिनोमियल में इसको तो हम लोग फैक्टराइज ही नहीं कर पाएंगे। फैक्टराइज कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये कांस्टेंट टर्म तो गिवन ही नहीं है। क्लियर है? तो अच्छा, तो सबसे पहले करेंगे क्या? अच्छा, इससे भी पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स। जब भी आपको ये चीजें आए, अभी जो आप लोगों को दिक्कत क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अगर अल्फा और बीटा मेरे जीरोज हैं तो ये है या ये है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया कीजिए, जो ये स्टेटमेंट है इसका ट्रांसलेशन इसको हिंदी में कीजिए, और हिंदी में हमेशा ट्रांसलेशन पीछे से होता है। तो क्या बोल रहा है, पढ़िए यहां से, तो जीरोज का स्क्वायर का सम, जीरोज का स्क्वायर का सम, ना कि जीरोज का सम का स्क्वायर। जीरोज के सम का स्क्वायर ये है, जीरो के स्क्वायर का सम ये है। तो अभी हम लोगों के क्वेश्चन में समझ गए आप लोग, ये पूछ रहा है। क्लियर है? मतलब ये गिवन है। ओके, ठीक है। तो मतलब आपको अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ठीक है, यहां आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। मैं यहां पर पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ के, ये एक गिवन था डाटा। दूसरा गिवन डाटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, ये दोनों डाटा क्वेश्चंस में दे रखा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप यहां से क्या, अब हम लोग उसका जीरोस तो पता कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या हम लोग यहां पर किस तरीके से हम लोग के का वैल्यू फाइंड करेंगे, आगे समझते हैं। हम लोग यहां से अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, वो होगा आपका माइनस माइनस ऑफ 8/1 दैट इज 8, राइट। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 times ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, 8। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 40, राइट। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, नहीं पता। अच्छा, यहां से अल्फा बीटा भी देख लेते हैं। यहां से अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाई ए डेट इज के, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस ऑफ 2 के,
दैट इज 40 माइनस 64 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k. इसको सॉल्व करते हैं, 2k इज इक्वल्स टू 24. क्लियर है, k इज इक्वल्स टू 12, k की वैल्यू आ गई. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चंस दिए थे, वहां से हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वैल्यू निकाला, और जो ये गिवन था इस पे हम लोगों ने थोड़ा मैनिपुलेशंस किए. हम लोगों को पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, राइट. इसको हम लोगों ने अल्फा बीटा के फॉर्मेट पे लिखा, इसका वैल्यू हम लोगों को गिवन था 40, हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला था 8, वो डाला 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल दिया, इसको सॉल्व किया और के का वैल्यू 12 आ गया. क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आई होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4 किस पॉलीनोमियल की, तो वो एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 3. हम लोगों को पता है कि जीरोज निकालने के लिए हम लोगों को पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर देना पड़ता है, तो हम लोग पॉलीनोमियल को क्या फैक्टराइज यहाँ पे कर सकते हैं, देख लेते हैं. क्या ये पॉलीनोमियल फैक्टराइज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3. तो नोटिस करेंगे कि यहाँ से मुझे देख करके ये चीज़ें समझ में आती है कि प्रोडक्ट जो है वो मेरा प्लस में, अगर प्रोडक्ट प्लस में है तो इसका ये बात क्लियर है कि जो बीच वाला टर्म जो स्प्लिट होगा या तो ये माइनस में होगा या तो ये प्लस और प्लस में होगा, मतलब विद द सेम साइन ये स्प्लिट होगा. अब ये किस साइन पे स्प्लिट होगा, ये मुझे बीच वाला टर्म बताएगा, तो मुझे पता है कि ये माइनस पे स्प्लिट होगा. क्यों, क्योंकि बीच वाला टर्म माइनस पे. ओके, तो मतलब कि दोनों को माइनस माइनस में ला करके इसको मुझे माइनस ऑफ 4x की तरह लिखना है और प्रोडक्ट में 3 आना चाहिए. तो इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3. माइनस ऑफ 4x भी हो गया और प्लस ऑफ 3 भी हो गया. यहां से आप लोग इसको फैक्टराइज करके इसका जीरोस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप लोग यहां से निकालेंगे, वहां से कोई भी एक अल्फा ले लीजिए, कोई भी एक बीटा ले लीजिए और उसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा. ये तो एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका जिससे हम लोगों को करना चाहिए इस क्वेश्चन को और काम थोड़ा सा आसान हो वो हम लोग देखते हैं. हम लोगों को जो निकालना है हम लोग उस पर थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करके देखते हैं. हम लोग को निकालना क्या है, ये तो अल्फा टू दी पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा टू दी पावर 4 अल्फा क्यूब, ये निकालना है. अच्छा, क्या कुछ इसमें से कॉमन आ सकता है, आ सकता है. क्या कॉमन आ सकता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये आप लोगों को दिख रहा होगा. यहां पर अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा. इसको देख करके हम लोगों को सम ऑफ जीरोस की याद आती है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 4/1 इज इक्वल्स टू 4. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल लेते हैं, एंड दैट इज सी बाई ए एंड दैट इज 3/1. ये जो चीज लिखी गई है, क्या इसको हम लोग इधर तक करते हैं थोड़ा, अल्फा बीटा का होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, कोई परेशानी यहां तक होनी नहीं चाहिए. अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे. अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, 3, जैसा हम लोगों ने निकाला है. इसको 2 बोल दीजिए, इसको
वन बोल दीजिए, बोल सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा या फ्रॉम वन और टू, कुछ भी आप बोल सकते हैं आप। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पर क्या है, फोर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे डेट इज 27 मल्टीप्लाइड विथ 4 एंड डेट इज इक्वल्स टू 108। क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोगों ने टोटल दो तरीका देखा। पहला तरीका क्या था, जो गिवन पॉलिनोमियल है अगर वो फैक्टराइज हो पा रहा है तो उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। जो यहां से दो जीरोस आएंगे किसी भी एक जीरोस का को आप अल्फा बोल दीजिए, दूसरे जीरोस को ऑटोमेटिकली आप बीटा बोल दीजिए। उस अल्फा और बीटा की वैल्यू को आप यहां पर पुट कीजिए और जिस चीज का वैल्यू आपसे मांग रहा है, क्योंकि आपसे जीरोस नहीं पूछ रहा, आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखें और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को, जो हम उसे के मदद से भी हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो चीज हमसे पूछ रहा है उस पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हम लोगों ने, उसको कन्वर्ट किया, किस पे कन्वर्ट किया, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे। कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों की हेल्प लेकर के इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।